ये एक एथीस्ट चैनल है जो इस्लाम की सच्चाई मुस्लिम लोगों तक पहुंचाकर उन्हें ह्यूमैनिस्ट और रैशनलिस्ट बनाने की कोशिश करता है। हमारा मकसद मुस्लिम लोगों के प्रति किसी तरह की नफरत फैलाना या उन्हें नीचे दिखाना नहीं है। शमा की स्टोरी, क्या हुआ था शमा के साथ, कौन है शमा का असली गुनहगार। तबलीगी जमात पर आपने मेरी ये वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने एक बात कही थी कि तबलीगी जमात ना केवल देश और समाज के लिए खतरा है बल्कि ये आम मुसलमानों के लिए भी बहुत खतरनाक है। और आज इसका एग्जाम्पल आपको शमा की स्टोरी में मिलेगा। कहानी को समझें और खुद से सोचें कि आखिर कौन जिम्मेदार है हस्ती खेलती शमा की जिंदगी को उजाड़ने में। तो आइए शुरू करते हैं इंसानियत के नाम से। ये चैनल किसी भी रिलीजन या संगठन की मदद से नहीं चलता है। इसने एक मुहिम में हमारा साथ दीजिए। इस चैनल की हर वीडियो पर पूरी एक टीम काम करती है और YouTube से कोई खास अर्निंग नहीं होती। इस चैनल और मिशन को बनाए रखने के लिए आपकी रेगुलर मंथली सपोर्ट की जरूरत है। इस मिशन के एक सिपाही बनिए और गर्व महसूस करिए सदी के सबसे बड़े मिशन के सपोर्टर होने पर। मेरा नाम शमा है। मैं एक 10वीं क्लास में पढ़ने वाली 15 साल की एक खुश मिजाज लड़की थी। मैं दो भाइयों की इकलौती बहन थी और काफ़ी खूबसूरत थी। मेरे खानदान की सारी औरतें अम्मी से इस बात पर बात किया करती कि तुम्हारी शमा पूरे खानदान में सबसे प्यारी और खूबसूरत बच्ची है। पर मुझे तो इस बात का कभी एहसास ही नहीं था। मैं तो बस खेलने कूदने में और अपनी पढ़ाई से ही मतलब रखती थी। मेरे परिवार में दो भाई के अलावा एक मेरे दुनिया के सबसे प्यारे अब्बा और एक खूबसूरत अम्मी थी। मेरे अब्बा कपड़े की दुकान चलाया करते थे। हमारा परिवार बहुत खुशहाल परिवार हुआ करता था। हम आम परिवार की तरह अपने दिनों को खूब एंजॉय किया करते थे। मुझे आज भी याद है, सैटरडे के दिन अब्बा काम से जल्दी आ जाया करते थे और हमें लेकर बाहर घूमने जाया करते थे। आसिफ मुझसे 2 साल छोटा और रिजवान मुझसे 3 साल छोटा भाई था। सैटरडे के दिन मैं अपने घर की राजकुमारी हुआ करती थी। मैं जो भी कहती मेरी बातें अब्बा की सराखों पर हुआ करती थी। मुझसे अम्मी अब्बा की मोहब्बत देखकर मेरे भाई भी मुझसे जला करते थे, पर वो जलन भी प्यार वाली हुआ करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, जिसके लिए मैंने अपनी आंखों में बहुत से ख्वाब सजाए हुए थे। और होते भी क्यों ना, अम्मी और अब्बा जो मुझे सपोर्ट किया करते थे। मेरे भाई मेरे आसपास तितली की तरह घूमा करते थे, क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मेरी ख्वाहिश अब्बा ज़रूर पूरी करेंगे। उन्हें जो कुछ भी खाना होता या जो कुछ भी उनकी डिमांड होती वे मुझसे कहा करते, और मैं अब्बा से ज़िद किया करती तो अब्बा मेरे कहने पर मेरे भाइयों के लिए भी उनकी डिमांड पूरी कर दिया करते। अक्सर छुट्टी के दिन मेरे कज़न भाई बहन भी हमारे यहाँ आ जाते थे और हम मिल के पढ़ाई करते और बहुत मस्ती भी करते थे। कभी कभी मुझे लगता कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट परिवार में पैदा हुई हूँ और मैं हर सांस पर अल्लाह का शुक्र अदा किया करती थी कि अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा परिवार दिया। सब कुछ बहुत अच्छा था और मैं अपने आप को बहुत लकी माना करती थी। यूँ तो हम बहुत मॉडर्न और रिच परिवार से नहीं थे, पर मेरे अब्बा और अम्मी हम बहन भाइयों को एक बेहतरीन ज़िंदगी देने के लिए पूरी मेहनत कर रहे थे। यानी कि ज़िंदगी में बस ऐश ही ऐश थी। अम्मी अक्सर कहा करती थी, कर ले मज़े जब तक अब्बा के घर में है, जब ससुराल जाएगी तब दाल आटे का भाव पता चलेगा। मैं भी हंसकर बोल दिया करती थी, जब मैं डॉक्टर बन जाऊंगी तो इस शहजादी के लिए राजकुमारों की लाइन लगी होगी, जो मेरे नखरे उठाएगा उसी से शादी करूंगी। अब्बा भी मेरा साथ दिया करते थे और बोलते, ये मेरा बेटा है और मैं इसको कामयाब बनाऊंगा, मजबूर नहीं जो ससुराल में बस चूल्हा बर्तन करे। मेरा बच्चा करोड़ों में एक है। मैं भी अम्मी को इतरा कर दिखा देती और फिर सब दिल खोल कर हंसते। मेरी खूबसूरती को देखकर मेरे स्कूल के काफ़ी सारे लड़के मुझसे दोस्ती करना चाहते थे, पर मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे इतना शौर था कि मुझे अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई पर ध्यान देना है और अपने अम्मी अब्बा का नाम रोशन करना है। ज़िंदगी बहुत बेहतर चल रही थी कि एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी और मेरे परिवार की ज़िंदगी पूरी तरह से बदल दी। जुमेरात का दिन था।
मेरे अब्बा सुबह आम दिनों की तरह अपनी दुकान पर गए और जाकर के जब उन्होंने दुकान खोली, थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर तबलीगी जमात के कुछ लोग आए जो कि किसी दूसरे शहर से हमारे मोहल्ले की मस्जिद में मुकाम किए हुए थे। वो दिन उनके गश्त का दिन था। गश्त का दिन जानते हैं, ये वही दिन होता है जिस दिन तबलीगी जमात का ग्रुप लोगों को दिन रात आशिके रसूल बनाता फिरता है। तबलीगी जमात के उस ग्रुप के अमीर साहब मोहम्मद अशरफ, जिनकी उम्र लगभग 40 साल थी, उन्होंने आकर मेरे अब्बा से कुछ इस्लामी बातों पर सवाल किया। जाहिर सी बात है, मेरे अब्बा इस्लाम के बारे में थोड़ी कम मालूमात रखते थे, जिस पर उन्होंने मेरे अब्बा को जन्नत और दोजक के बारे में और अल्लाह के जरिए दुनिया में भेजे जाने के मिशन के बारे में बताया और उनसे इस्लाम के बारे में बातें की। जाहिर सी बात है, मेरे अब्बा एक आम इंसान थे जिनकी ज़िंदगी में सिर्फ घर और दुकान के अलावा कुछ नहीं था। ऐसे तो मेरे अब्बा को जब भी वक्त मिलता वे नमाज पढ़ लिया करते थे और बाकी का वक्त दुकान और घर पर ही गुजारा करते थे, लेकिन फिर भी उन्हें इस्लामी शरिया और इस्लामी अहकाम के बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं थी। फिर वही हुआ, मेरे अब्बा को इस्लाम के सवालों के बारे में ज़्यादा मालूमात ना होने की वजह से तबलीगी जमात के अफसरानों ने उनको बहुत नीचा दिखाया और कहा कि मियाँ तुम ज़िंदगी में क्या कर रहे हो, असल ज़िंदगी तो मौत के बाद है, उसकी तैयारी करो, कब्र में ये पैसा दौलत तुम्हारे काम नहीं आएगी, सिर्फ तुम्हारे अखलाक और इबादत काम आएंगे, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा परिवार भी तुमको याद नहीं करेगा। ऐसा समझाते हुए उन्होंने अब्बा से जौहर के बाद मस्जिद में आने का हुक्म दिया। इस पर मेरे अब्बा मान गए और जौहर के बाद अपनी दुकान पर अपने नौकर को बिठा कर मस्जिद चले गए। बादे जौहर जब वे मस्जिद में बैठे तो वो 40 साल शख्स जो कि जमात के अमीर साहब थे, उन्होंने मेरे अब्बा का दिमाग अल्लाह का डर दिखाते हुए कुछ इस तरह से वॉश किया कि उनको अपने साथ 4 महीने की जमात में ले जाने के लिए भी हामी भरवा ली और उनका नाम रजिस्टर में भी चढ़ा दिया। मेरे अब्बा जो कि समाज में इज्जत रखते थे और लोगों के डर, रुसवाई और अपनी झूठी शान को बचाने के लिए 4 महीने की जमात में जाने का फैसला कर लिया और उनसे हाँ कह दिया। अमीर साहब बोले कि मियाँ आज रात को अपना साजो सामान लेकर मस्जिद में तशरीफ़ लाएँ, इंशाल्लाह कल ही हमारे जमात के भाई दूसरे शहर में जाएंगे और तबलीग होगी। शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद मेरे अब्बा घर आए और मेरे अब्बा ने सारा वाकया मेरी वालदा को सुनाया। मेरी वालदा ने इसका थोड़ा इनकार किया। मेरी वालदा बोली, 4 महीने हम आपके बिना कैसे रहेंगे, ना तो दुकान आपके बिना चल सकती है और ना ही बच्चे आपके बिना रह सकते, और वो अभी इतने बड़े भी नहीं हुए हैं कि दुकान संभाल सके। मेरे अब्बा ने वही जवाब दिया जो कि हर मुसलमान जिहादी अपनी बीवी और बच्चों को देता होगा कि दुनिया में सब अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाएंगे, फिक्र ना करो, मैं तुम्हें अल्लाह के हवाले छोड़ कर जाता हूँ, अब से अल्लाह ही तुम्हारी हिफाजत करेगा, अब से तुम लोगों को अल्लाह की अमान में सौंप कर जाता हूँ, अब से अल्लाह तुम्हारा निगेबान और कुरान तुम्हारी रहनुमाई करेगा। और अम्मी ने ना चाहते हुए भी भारी मन से आंखों को नम करके मेरे अब्बा को जमात में जाने की इजाज़त दे दी। उसी दिन रात में मेरे अब्बा घर से अपना ज़रूरी सामान बांध कर हमारे मोहल्ले की मस्जिद में चले गए। हम बस उन्हें जाते हुए देख रहे थे और मैं दिल में यही सोच रही थी कि मेरे प्यारे अब्बा 4 महीने के लिए हमसे दूर जा रहे हैं। ऐसा सोचते हुए दिल बस रोने को आ रहा था, पर इस बात का शुक्र भी था कि मेरे अब्बा अल्लाह की राह में 4 महीने के लिए जा रहे हैं, जिसका सवाब हम सब परिवार वालों को पहुंचेगा। काश मैं उस दिन अब्बा को ज़िद करके उन्हें रोक लेती तो वो वहीं रुक जाते और आगे मेरी ज़िंदगी में जो तूफ़ान आए हैं उनकी लहरें कभी ना उठती। अब्बा के जाने के बाद यूं ही हमारे दिन बीतने लगे और हम पूरे दिन मौज मस्ती करते और बाकी वक्त मैं अपनी पढ़ाई करती और अपने भाइयों के साथ खेला करती। हमारे घर पर मेरे कज़न ब्रदर भी आया करते थे और वे भी हमारे साथ खेलते और साथ में ग्रुप स्टडी किया करते थे, जिससे दिन का पता ही नहीं लगता था। 4 महीने कब बीत गए पता नहीं लगा, पर एक बात ज़रूर थी कि अब्बा की याद बहुत आती थी। कभी कभी 5-6 दिन में अब्बा से फ़ोन पर बात हुआ करती थी, जिसमें वे मुझसे बात कर लिया करते थे,
शुरू के कुछ हफ्ते तक तो उन्होंने मुझसे बात की, फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने मुझसे बात करना कम कर दिया और मेरे भाइयों से और मेरी वालदा से ज़्यादा बातें करने लगे, और आखिर के महीने में तो मुझसे बात करना बिल्कुल बंद ही कर दिया, केवल मेरे भाइयों से ही बात किया करते थे। आखिर वो दिन आ गया जब 4 महीने पूरे हो गए और अब्बा के घर आने का दिन भी आया। हम बहुत खुश थे, जौहर का वक्त था कि तभी दरवाजे पे दस्तक हुई, और जब मैंने दरवाज़ा खोला अब्बा मेरे सामने खड़े थे और मैं मारे खुशी के अब्बा के गले लग गई कि अचानक अब्बा ने मुझे अपने से पीछे कर दिया और मेरी अम्मी को आवाज़ लगाई। मेरी अम्मी रसोई में खाना बना रही थी। अब्बा की आवाज़ सुनकर अम्मी रसोई से बाहर आई और उन्होंने अपना सामान से भरा हुआ बैग आंगन में रखा और उसे खोलते हुए कहा कि मैं शमा के लिए बुरका लाया हूँ और आज से ये जब भी घर से बाहर जाएगी इस बुरके को पहनेगी। मैं बड़ी हैरत से अब्बा की तरफ देख रही थी। मुझे लगा शायद अब्बा मजाक कर रहे हैं और ये बुरका वह मेरी अम्मी के लिए लेके आए होंगे। अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्ची अभी छोटी है, अभी स्कूल भी जाती है, इसको बुरका पहनाना ठीक नहीं है। जिस पर अब्बा गुस्से में अम्मी पर चिल्लाए और कहा, तुम्हें क्या पता है जवान बेटी को पर्दे में रखा जाता है, उसकी आबरू बाजार में नीलाम नहीं की जाती, और मैं नहीं चाहता कोई भी इंसान मेरे घर की जीनत को सरेआम देखे और अल्लाह और उसके फरिश्ते मुझ पर लानत भेजें। क्या तुम्हें नहीं पता अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अपने घर की औरतों को पर्दे में रखो, और मैं कह देता हूँ आज के बाद शमा घर से बाहर नहीं जाएगी, कोई ज़रूरत नहीं है इसे बाहर भेजने की। मैं बहुत चौंक गई। अब्बा की ये बातें सुनकर मैं चुप रही। शायद अब्बा का मूड किसी बात से ख़राब था, मुझे तो ऐसा ही लगा। पर अम्मी चुप ना रही। अम्मी ने पूछ ही लिया, क्या अब इसका स्कूल जाना भी छुड़वाओगे? तो अब्बा बोले, इसे पढ़कर कोई नौकरी नहीं करनी है, आखिरकार ये दूसरे के घर जाके चूल्हा ही फूकेगी, कोई ज़रूरत नहीं है आगे की पढ़ाई की, सिर्फ कुरान और नमाज और केवल दीन की तरबियत ही काफ़ी है, दुनिया में ही नहीं रहना, एक दिन अल्लाह को जान भी देनी है, जब कयामत के दिन अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगी? क्या तुम नहीं जानती तुम्हारी जबान में गर्म लोहे का सरिया दिया जाएगा जब तुमसे जवाब नहीं दिए जाएंगे कि तुमने अपनी जवान बेटी को इतनी छूट दी, हर्राफा बना दिया। मैं तो ये सब सुन के दंग रह गई, मानो कोई बेजान लाश हो जिसमें से काटो तो खून नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन फट गई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। अब्बा ने बैग टटोलते हुए उसमें से मेरे भाइयों के लिए कुर्ते पजामे और टोपियाँ भी निकाली और मेरे दोनों भाइयों को देते हुए कहा, अच्छी तरह से गुसल और वुजू करके पाक हो जाओ और असर की नमाज में मेरे साथ मस्जिद चलना, और अब से घर में सभी लोग 5 वक्त नमाज अदा करेंगे, ये मेरा हुक्म है। इतना कहते हुए गुस्से से पैर पटकते हुए अब्बा अपने कमरे की तरफ चले गए और हम सब एक दूसरे का मुंह देखते रहे, ये हो क्या रहा है? मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी कि क्या ये वही अब्बा हैं जिन्हें मैं जानती थी। ऐसे लगता है अब ये एक मुस्लिम मिशनरी बन चुके हैं जिनका केवल एक ही मकसद है, अपने घर वालों के खिलाफ इस्लामी जिहाद करना। और बस उसी दिन से मेरी ज़िंदगी का बुरा दौर शुरू हो गया था। मैं अब्बा का बर्ताव सह रही थी, साथ में मेरा परिवार भी अब्बा के बर्ताव को सह रहा था, पर मुझे अफसोस इस बात का भी था कि अब मेरे भाई भी अब्बा की तरह ही घर के अंदर सख्ती बरतने लगे थे, जो कि मेरे सर से दुपट्टा हटाने या किसी भी बात पर हंसने या किसी भी काम करने के अंदाज को लेकर मुझे ताना कसने लगे थे। ये मेरे वही छोटे भाई थे जो मुझे मनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हुआ करते थे, पर अब घर में इनसे बड़ा कोई बागी नहीं था मेरे खिलाफ। उस दिन मैं अकेले में जाके खूब रोई। हद तो तब हो गई जिस दिन मेरे मामा का बेटा घर आया और अब्बा ने उसे दरवाजे पर ही रोक दिया और कहा कि मियाँ अब तुम बड़े हो गए हो, इस तरह हमारे घर में ना आया करो, मेरे घर में जवान लड़की रहती है, अगर कोई काम हो तो मुझे दुकान पर ही मिल लिया करो। यानी कि अब पापा को मेरे कजन ब्रदर और सिस्टर से भी प्रॉब्लम हो रही थी। ये सब देखकर मुझसे रहा ना गया और मैं अम्मी का हाथ पकड़ के उन्हें बरामदे से कमरे की तरफ खींच लाई
और उनसे पूछा कि आखिर अब्बा चाहते क्या हैं? अगर मैं उन्हें पसंद नहीं तो मैं फांसी लगाकर मर जाऊं। जिस पर अम्मी ने मेरे सर को चूमा और कहा, नहीं मेरी बच्ची, ऐसी बात नहीं है। अब्बा तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, पर जब से वे जमात में गए हैं वे दीन की तालीम में कुछ ज्यादा ही मसरूफ हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर इस्लामी शरिया का खौफ सवार है। और जो उनके अमीर साहब थे ना, उनका ट्रांसफर भी हमारे मोहल्ले की मस्जिद में हो चुका है, जिसकी वजह से वे उनसे दिन में 5 बार मुलाकात करते हैं और वहीं से इनको इस तरह की इस्लामी तरबियत मिल रही है। इसी वजह से घर का ये माहौल इस्लामी बनाया हुआ है। मैं ये सब सुन के चौंक गई, मुझे यकीन नहीं आया। क्या वाकई इस्लाम में इतनी पाबंदियां सिर्फ एक लड़की की पढ़ाई के ऊपर हो सकती हैं? मेरे मन में हलचल पैदा हुई और अब मैंने फैसला कर लिया कि मैं इस्लाम के बारे में ज्यादा जान कर रहूंगी। क्या वाकई में मेरा अल्लाह मुझ पे बंदिश लगा के खुश होता है? क्या ये वाकई सच है? उसके बाद मैंने अम्मी से कुछ इस्लामी अहकामात और शरई किताबों के लिए कह दिया। कुछ दिन बाद अम्मी कुछ किताबों का इंतज़ाम करके घर ले आई और मुझे सौंप दी। और जब मुझे इस्लाम में औरतों के हुकूक के बारे में पता लगा, मेरी रूह ही फना हो गई। उससे मैंने पढ़ते हुए इस बात पर तवज्जो दी कि सारी शरई एतबार औरतों के ऊपर एक ही बात पर इशारा कर रही थी कि औरतें मर्दों की गुलाम हैं, खेती हैं, साजो सामान हैं, दिल बहलाने की चीज़ हैं, बच्चे पैदा करने की मशीन है और मुकद्दस सामान है जिनको तुम्हें पर्दे में रख के हिफाजत करनी है। इसके अलावा और कुछ ना मिला। हाँ, बार बार डराने के लिए अल्लाह ने जगह जगह पे ये बात भी लिखी हुई थी कि अगर किसी औरत को देखकर किसी मर्द के दिल में कोई नफसी हालात जागे तो उसका गुनाह उसके भाई और बाप पर भी होगा। ये बड़ा अजीब था। खैर, मैंने इसे अल्लाह का हुक्म समझा और चुप रही। और मैं अपने अब्बा को फिर से खुश करने के लिए उनके कहे के मुताबिक ज़िंदगी जीने लगी। अब डॉक्टर बनने का ख्वाब सिर्फ ख्वाब ही रह गया था। यूं ही दिन बीते चले गए और मेरी उम्र कोई 15-16 साल के बीच में रही होगी कि एक दिन मेरे भाई रिजवान को बहुत तेज़ बुखार था और अम्मी उसे दवाई देकर सोने के लिए छोड़कर पड़ोस में चली गई थी कि अचानक अब्बा दुकान से आए और रिजवान को उठाकर कहा, मियाँ अब तक सो रहे हो? क्या तुम्हें खुदा के घर से अजान का बुलावा सुनाई नहीं देता? चलो खड़े हो और नमाज पढ़ो। मैंने अब्बा से कहा, अब्बा रिजवान की तबीयत बहुत खराब है, अम्मी इसे दवाई देके पड़ोस में गई हैं। जिस पर अब्बा ने मुझे डांट दिया और कहा, बेवकूफ लड़की, क्या तुझे ये नहीं पता अल्लाह ने हर हाल में नमाज का हुक्म दिया है? अल्लाह फरमाता है कि अगर खड़े होकर नहीं पढ़ सकता तो बैठ कर पढ़, बैठ के नहीं पढ़ सकता तो लेट के पढ़, और अगर लेट कर भी नहीं पढ़ सकता तो इशारे से पढ़, पर नमाज हर हाल में फर्ज है। और रिजवान मियाँ को बुखार हुआ है, फालिज तो नहीं पढ़ गई जो एक अम्बक नमाज पढ़ने नहीं जा सकता? शायद ये मेरे भाई का प्यार था। मेरे सब्र का बांध टूट गया और मैं अब्बा के ऊपर गुस्से में बरस पड़ी। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? तुम्हें अल्लाह अल्लाह लगा रखा है, क्या अल्लाह को दिखाई नहीं देता? अभी छोटा बच्चा है जिसको तेज बुखार है, अगर तुम्हें नमाज पढ़नी है तो तुम पढ़ो, ये तुम्हारी कब्र में नहीं सोएगा, समझे? अब्बा ने ना आव देखा ना ताव, भाग कर गए और मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे मुंह पे 2 तमाचे मारे और कहा, बदजबानी करती है कमबख्त, तू पक्का जहन्नम में जाएगी, आज ही तेरा फैसला करता हूँ। और मुझे घसीटते हुए कमरे में ले जाकर बंद कर दिया और रिजवान के भी 2 थप्पड़ लगाए और उसे खड़ा करके अपने साथ मस्जिद की ओर धकेलते हुए ले गए। मैं अंदर कमरे में रोती रही। मैंने आज अब्बा का वो वैशी चेहरा देखा था जो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। थोड़ी देर बाद जब अम्मी आई तब उन्होंने दरवाज़ा खोला और मैंने रोते हुए अम्मी के सीने से लग के कहा, अम्मी मेरी क्या गलती है, रिजवान की तबीयत खराब थी, अब्बा उसे ज़बरदस्ती उठाकर मस्जिद ले गए, मेरे मना करने पे मुझे भी मारा और भाई को भी मारा, क्या यही मेरा गुनाह है कि मैं एक लड़की हूँ? अम्मी ने समझाते हुए कहा कि ऐसी बात नहीं है, लड़की होना तुम्हारा गुनाह नहीं, लड़की का बाप होना तुम्हारे अब्बा का गुनाह है।
और वो खड़ी होके दूसरे कमरे में चली गई। शाम का वक्त था, मेरे अब्बा घर आए और आकर बोले, मैंने शमा का रिश्ता पक्का कर दिया है, चंद दिनों बाद इसका निकाह है और बस अब इसके निकाह की तैयारी करो, मुझे कोई शौक नहीं है अपनी इज्जत को नीलाम करने का। इस पर मेरी अम्मी ने मेरे अब्बा का बड़ा एतराज किया, पर मेरे अब्बा ने एक ना सुनी। आखिर अम्मी ने ये पूछा कि मुझे ये तो बताओ कि वो कौन लड़का है जिससे तुमने बिना मेरी मर्जी के मेरी बच्ची का निकाह तय कर दिया, क्या मेरा इस पर कोई इख्तियार नहीं? इस पर अब्बा ने कहा कि कोई और नहीं, मेरे जमात के साथी अशरफ भाई हैं, बहुत नेक और शरीफ इंसान है, हमारी मस्जिद के इमाम हैं। अगर शमा का निकाह उनसे हो गया तो इसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी और उनके साये में रहेगी तो उनके सवाब के सदके में शायद इसे भी जन्नत नसीब हो जाए। जब मेरी अम्मी ने मुझे इस बारे में बताया, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अब्बा ऐसा कैसे कर सकते हैं। अभी मेरी उम्र ही क्या थी, मुझे बिना पूछे बिना बताए मेरे अब्बा ऐसा कर कैसे सकते हैं? बहुत सारे सवाल मेरे दिमाग में थे। मैंने अम्मी से पूछा कि अशरफ भाई कौन है, तब अम्मी ने बताया ये वही इमाम साहब हैं जिनके पास अब्बा रोज़ जाते हैं और अब्बा से इनकी बड़ी गहरी दोस्ती है, तुम्हारे अब्बा की पसंद वही है। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी, ना मैंने उन्हें कभी देखा था। इसे किस्मत का फैसला मानते हुए मैंने खुद को तैयार कर लिया। 10 से 12 दिन बाद मेरे निकाह का दिन आया। मेरे अब्बा ने केवल चंद रिश्तेदारों को बुला के मेरा निकाह इमाम साहब से कर दिया। विदाई के वक्त मेरे अब्बा ने मुझसे एक बात कही थी कि बेटा, आज से इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हैं, तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा जायज़ घर है, आज के बाद कोई भी परेशानी हो यहाँ मत आना, खुशी से आना, ये सोच के कभी मत आना कि हम तुम्हारी हिमायत लेंगे, आज से तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा रहबर है और तुम्हारा शौहर ही तुम्हारा मालिक। ये अल्फाज मेरे कानों में आज तक गूंजते हैं। मैंने हाँ में सिर हिलाया और अपने शौहर के साथ उनके घर चली गई। जब मैं अपने ससुराल पहुंची तब मैंने देखा कि एक टूटा हुआ घर था जो कि मोहल्ले वालों ने उनको मस्जिद के बराबर में ही रहने के लिए दिया हुआ था, जिसमें मेरी सुहागन की सेज सजाई गई थी जो कि ज़मीन पर पड़े हुए दो गद्दों के सिवाय कुछ नहीं थी। घर में सामान भी बड़ा मुख्तलिफ था, जिसमें 4 बर्तन, 1 बाल्टी, 1 जानमाज और थोड़ा बहुत सामान, बस यही था। यूं तो मेरे अब्बा ने मुझे दहेज नहीं दिया था, पर कुछ रकम बतौर दहेज मेरे शौहर को अता की गई थी, क्योंकि निकाह अचानक से हुआ था और दहेज का मसला न होने की वजह से मेरे वालदेन ने मेरे शौहर को नकद पैसा दे दिया था। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे बदतरीन रातों में से एक थी। रात का वक्त हो चुका था, मैं कमरे में सजी हुई बैठी थी, तभी थोड़ी देर बाद इमाम साहब कमरे में आए। वो पहला पल था जिसमें मैंने उन्हें देखा। एक उम्र दराज शख्स जिसकी उम्र तकरीबन 40 से 45 साल के करीब रही होगी, लाल रंग में रंगी दाढ़ी, लाल बाल थे जो कि सबूत दे रहे थे कि जनाब के बाल भी पके हुए थे, होठों और दांतों से पक्का पता चल रहा था इमाम साहब को पान खाने की भी आदत है। सांवला रंग, दरमियाना जिस्म का मालिक ये शख्स अब मेरा शौहर था। जब इमाम साहब ने मुझे देखा तो बस मुंह से एक ही अल्फाज निकला, माशाल्लाह। मेरा अंदाज़ा गलत नहीं था, जितना सुना था तुम मुझसे भी ज़्यादा हसीन और खूबसूरत हो। इसके बाद इमाम साहब मेरे पास आकर बैठ गए और मुझसे बोले, मोहतरमा, आज से आप मेरी अहलिया यानी बीवी और मैं आपका शौहर हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं और इंशाअल्लाह हम नबी की सुन्नतों पर चलने वाले इंसान हैं और नबी के नक्शे कदम पर ही ज़िंदगी बिताएंगे, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप भी सहाबा इकराम की बीवी की तरह अपनी ज़िंदगी गुजारोगी और हमारी खिदमत करोगी। मैं बस खामोश रही। तभी उन्होंने 500 रुपये मेरी मुंह दिखाई और 1100 रुपये मेरी मेहर की रकम मेरे हाथ में पकड़ा दी।
और उसके बाद उन्होंने मेरे साथ हमबिस्तरी की। मैं बहुत घबराई हुई थी, कुछ समझ नहीं पा रही थी, ना मेरे मुंह से कोई अल्फाज निकल रहे थे। एक लड़की के लिए उसकी सुहागरात सबसे स्पेशल डे होता है, पर मेरे दिमाग में कभी इसके बारे में कोई बात नहीं आई। पर ये जो कुछ भी हो रहा था, ये बिल्कुल मेरी मर्जी के खिलाफ था। ना तो मैं ऐसा कुछ करना चाहती थी, और जो हो रहा था मैं उसके लिए तैयार नहीं थी। मेरे शौहर ने मेरी चेहरे की तरफ देखना भी गवारा न समझा। उन्हें पता था मुझे दर्द हो रहा है, मैं रो रही थी, मगर वे रुकते ना थे। खैर, जैसे तैसे रात बीती और अगले दिन मेरी तबीयत बिगड़ गई, पर इससे इमाम साहब को कोई फर्क ना पड़ा। अगले दिन कुछ मोहल्ले के लोगों को बुला के, जो कि उनके मस्जिद के जुड़े हुए लोग ही थे, थोड़ा बहुत खाना बना के वलीमे की रस्म भी पूरी हो गई। अब इमाम साहब रोज मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे साथ हमबिस्तरी करते। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे तकलीफ हो रही है या नहीं, मेरा मन है या नहीं। सारा दिन जब भी उन्हें वक्त मिलता, मुझे सिर्फ शौहर के फ़र्ज़ और बीबी की खिदमत की हदीसें और सुन्नतें बयान करते, और मैं भी इसे अपना नसीब समझते हुए सच मान बैठी थी। इमाम साहब हमारे शहर के नहीं थे, वे हमारे शहर से काफ़ी दूर एक गाँव के रहने वाले थे, जो कि शादी के बाद उन्होंने कायदा बना लिया था कि वे हर महीने में एक हफ्ता अपने गांव जाया करते थे। उस एक हफ्ते में वे मुझे मेरे घर छोड़ दिया करते थे। बस यही वो एक हफ्ता होता था जिसमें मुझे सुकून में होता था। शादी के बाद मुझे दुनिया की एक और चीज़ का पता चला कि बेटी जब तक कुंवारी होती है तो घर वालों की होती है, पर शादी के बाद वो वाकई पराई हो जाती है। मैं महीने में एक हफ्ते के लिए घर आती थी, पर मेरे परिवार वाले मुझसे खास बातें ना करते थे। सिर्फ मेरी अम्मी मुझसे मेरी तबीयत और खाने पीने के बारे में पूछ लिया करती। मेरे भाई और मेरे अब्बा तो मुझसे बात करना भी पसंद ना करते। जिंदगी चल रही थी। कुछ महीने बीते, एक दिन की बात है, इमाम साहब मस्जिद में बच्चों को भी पढ़ाया करते थे, तो अक्सर दोपहर में भी देरी से घर लौटा करते थे। इमाम साहब के घर में जो नहाने की जगह थी, उस गुसल खाने के ऊपर छत की जगह टूटा हुआ दरवाज़ा रखा हुआ था, जिसमें से आसमान साफ नज़र आता था। हमारे घर के सामने एक तीन मंजिला मकान बना हुआ था, जिस पर एक लड़का खड़ा होके हमारे घर में झांक रहा था। इमाम साहब ने घर आते वक्त ये नज़ारा देखा और लगे दरवाज़ा दोनों हाथों से पीटने। मैं नहा रही थी, मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला, और जैसे ही दरवाज़ा खोला, इमाम साहब ने पूछा, क्या कर रही थी, इतनी देर कैसे लगी दरवाज़ा खोलने में? मैंने कहा कि हजरत, मैं नहा रही थी। जिस पर इमाम साहब ने कहा, नहा रही थी या आपने जिस्म की नुमाइश लगा रखी थी? मैंने बोला, अल्लाह तौबा, ये क्या कह रहे हो आप? उन्होंने कहा कि इतनी भोली मत बनो, मुझे सब पता है, तुम्हारा सामने वाले लड़के के साथ अफेयर चल रहा है, और मैंने देखा कि छत से वह तुम्हें इशारे कर रहा था, और तुम भी उसके साथ इश्क में मुफ्तला हो। मैंने इस बात पर एतराज़ किया कि आप बिना देखे, बिना सबूत के मेरे ऊपर किस तरह इल्ज़ाम लगा सकते हो? जिस पर इमाम साहब गुस्से से बोले, अच्छा तो बित्ते भर की छोरी अब मुझे बरगलाएगी? अल्लाह ने तुझे हुस्न क्या दिया, इतना घमंड हो गया तुझे हरामजादी, क्या नंगी घूमेगी जमाने भर में? अरे अपना नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल कर ले बेहया, मैंने जमाना देखा है, मुझे बेवकूफ़ समझती है? मैंने गुस्से से इमाम साहब पर जवाब दागा, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है मुझे ये सब करते हुए? नहीं ना, तो तुम कैसे मेरे किरदार पर शक कर सकते हो? और अगर तुम्हें इतनी फिक्र है मेरी, तो मुझे पूरा दिन अकेले क्यों छोड़कर जाते हो? सारा दिन यहीं बैठो, और जहां जाओ मुझे अपने साथ लेकर जाओ, तब तो तुम्हें सब्र आएगा। बस इतना ही सुनना था कि इमाम साहब ने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। उन्होंने आंगन में पड़े हुए डंडे से मेरी पिटाई की और मुझे बहुत मारा। मैं कहती रही, मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। पर उन्होंने एक नहीं सुनी और पीटते रहे, और तब तक मारा जब तक थक ना गए और गुस्से में घर से बाहर चले गए। वो पहली बार था जब उन्होंने मेरे ऊपर हाथ उठाया था। अब तो ये रोज़ की बात हो चुकी थी। मेरी छोटी सी भी गलती उन्हें नागवार गुजरती,
और बस वो बहाना ढूंढते मुझे पीटने का। और एक वक्त ऐसा भी आया जब रोज़ की मारपीट और गाली गलौच मेरी हद से बाहर हो गई, तो मैं इस बात की शिकायत लेकर अपने अब्बा के पास गई और मैंने इमाम साहब की शिकायत अपने अब्बा से की। मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा, ये तुम्हारा ज़्यादती मामला है और अल्लाह ताला कुरान में बीवी को पीटने का हुक्म देता है। सूरह निसा की आयत नंबर 34 देख लो। मैं अपना समूह लेकर वापस आ गई। मुझे पूरा यकीन हो चुका था कि मेरे अब्बा अब मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। खैर, ये भी मैंने कबूल किया और अपना नसीब समझते हुए बर्दाश्त करने लगी। एक दिन मुझे पता चला मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैंने ये बात अपने शौहर से कही। उस दिन मैंने उन्हें बड़ा खुश देखा, मगर उनके रवैये में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं था। हाँ, बस मेरी थोड़ी फिक्र करने लगे थे। मेरी प्रेगनेंसी का 5वां महीना चल रहा था। हर महीने की तरह इमाम साहब इस महीने भी अपने गांव गए हुए थे और मैं अम्मी के घर पर थी। रूटीन चेकअप के लिए मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर के पास ले जाया करती थी, पर इस हफ्ते मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब थी, तो उन्होंने आसिफ से कहा कि जा अपनी बहन को डॉक्टर के यहाँ ले जा। आसिफ मुझे डॉक्टर के यहाँ ले आया, जो कि मेरे घर से दूरी पर था। चेकअप कराने के बाद मुझे कुछ काम बाज़ार में भी था, मुझे कुछ सामान लेना था। मैंने आसिफ से कहा, भाई मुझे बाज़ार ले चलो। उसने पहले तो ना नुकुर की, पर फिर वो मान गया, क्योंकि बाज़ार डॉक्टर के यहाँ से काफ़ी दूरी पे था। मेरा भाई अपनी बाइक पर बिठाकर मुझे बाज़ार ले गया। जब मैं बाज़ार पहुँची, वहाँ पर मैंने देखा इमाम साहब किसी औरत को लेकर बाज़ार में घूम रहे हैं। मुझे बड़ा अजीब लगा, जिस पर मैंने आसिफ से कहा कि देखो, ये तुम्हारे दूल्हा भाई ही है या कोई और? आसिफ ने कहा, नहीं, ये इमाम साहब ही हैं। सच जानने के लिए हमने उनका पीछा किया और उनको आवाज़ भी लगाई। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और ऐसे हो गए जैसे हमें ना सुना हो, और उस औरत का हाथ पकड़ के तेज़ी से वहाँ से निकल गए। भीड़ ज़्यादा होने की वजह से वे बाज़ार में कहीं गुम हो गए और मैं थोड़ी देर उनको ढूंढने के बाद घर वापस आ गई। इस बार इमाम साहब पूरे 10 दिन तक घर नहीं आए। 11वें दिन सीधे मेरे अब्बा के घर पर पहुंचे मुझे लेने। जैसे घर पर आए, मैंने उनसे पूछा, उस दिन तुम बाज़ार में थे, मैंने तुम्हें देखा, तुम किसी औरत को अपने साथ लिए घूम रहे थे। जिस पर इमाम साहब ने कहा, वो मेरी पहली बीवी थी। बस इतना ही सुनना था कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। आँखों में आंसू, आवाज़ में घबराहट और लड़खड़ाती हुई जुबान से मैंने अपने शौहर से पूछा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, इतना बड़ा धोखा किया मेरे साथ। मेरे शौहर कुछ जवाब दे पाते इतने में पीछे से मेरे अब्बा आ गए और तपाक से बोले, इमाम साहब ने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। मुझे पहले से ही मालूम था कि वे शादीशुदा हैं, ये मेरा ही फैसला था। और रही बात तुम्हारी, तुम पर मुझे पूरा हक है कि मैं तुम्हारा निकाह जिससे चाहूँ उससे कर सकता हूँ। ये हक मुझे मेरे अल्लाह ने दिया है। मैंने तुम्हें पैदा किया है और तुम्हारे निकाह का फैसला मुझे मेरे परवरदिगार ने सौंपा है, और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारी शादी एक बेहतरीन इंसान से करूं। और मेरी नज़रों में इमाम साहब से बेहतर इंसान कोई और हो ही नहीं सकता था। इतना सुनना था कि मेरी आँखें फटी की फटी रह गई। और इमाम साहब ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, बहुत हो गया ड्रामा, अब घर चलो। मरती क्या ना करती, मेरे घर वाले तो अब मेरे थे ही नहीं। एक ही सहारा था जहाँ मुझे छत और खाना मिल सकता था, वो थे इमाम साहब। इसलिए मुंह बंद रखा, आंखों में आंसू और लड़खड़ाते हुए कदमों से मैं इमाम साहब के घर पहुँच गई। घर पहुँचकर इमाम साहब ने मुझसे कहा, देखो, इस्लाम में 4 बीवियाँ रखने का रिवाज है। मैंने कोई अनोखा काम नहीं किया और ना ही तुम्हारे साथ कोई धोखा किया है। तुम्हारे अब्बा को पहले से मालूम था कि मैं शादीशुदा हूँ और उन्होंने ही मुझे तुमसे शादी करने के लिए राज़ी किया, और मैंने उनकी बात मान ली। क्या मैंने तुम्हारे साथ कोई बदकारी की है? ये तुम्हारा कोई हक मारा है? नहीं ना। अब मुझे आगे से कोई घर में किसी भी तरह का कोई ड्रामा नहीं चाहिए, इसलिए जितना तुम अच्छे से रहोगी मैं भी तुम्हारे साथ उतने अच्छे से रहूँगा।
अब मेरे मस्जिद जाने का वक्त हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। शाम तक वापस आऊँगा, खाना बना कर रखना, रात में बात होगी। इतना कह के वे चले गए और मैं अपनी किस्मत को रोती रही। रोते हुए कब शाम हो गई पता ही नहीं चला, और मैं बस यही सोचती रही कि या मेरे अल्लाह, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई, क्यों तुमने मेरे साथ इतना बुरा किया, क्या मेरी इबादत में कोई कमी रह गई थी, मुझसे ऐसा कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया जो तू मेरा इतना सख्त इम्तिहान ले रहा है। सच तो ये है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वाकई मेरे साथ ऐसा हो रहा है, पर यह हकीकत थी। इमाम साहब शाम में आए और आकर के उन्होंने मेरे साथ कुछ खास बात ना की। खाना खाया, मेरे साथ हम बिस्तरी की और सो गए। इसी तरह महीने बीत गए और इमाम साहब अपनी ख्वाहिशें मुझसे पूरी करते रहे, और मैं बस उनके लिए जिस्म के अलावा कुछ नहीं थी। प्रेगनेंसी के 9 महीने तक भी इमाम साहब मेरे साथ हम बिस्तरी करते रहे। जब मैंने उनका विरोध किया तब उन्होंने मुझे बोला, क्या तुम्हें नहीं पता किसी भी हाल में औरत को अपने शौहर से हमबिस्तरी के लिए मना करना हराम है। मेरे नबी की सुन्नत है, अगर औरत बच्चा भी पैदा कर रही हो और उसका शौहर उसे नफसी ज़रूरत के लिए बुलाए तो औरत को चाहिए कि पहले अपने शौहर की ख्वाहिश पूरी करे, उसके बाद बच्चा पैदा करे। मैं ये बात सुनकर बड़ी हैरत में आ गई, पर मजबूर थी और कर भी क्या सकती थी। बस यही दुआ करती रही कि मेरे बच्चे को कुछ ना हो। आखिर वो दिन भी आ गया जब मैं माँ बनने वाली थी। मेरी डिलीवरी से ठीक कुछ दिन पहले इमाम साहब ने मुझे मेरी माँ के पास भेज दिया था। मेरी अम्मी मुझे अस्पताल ले गई और मुझे एक बेटी पैदा हुई, और इस तरह मैं 16 साल की लड़की माँ बन चुकी थी। मुझे देखने के लिए सब आए पर इमाम साहब ना आए। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने पूछा, इमाम साहब कहाँ हैं? तो अम्मी ने कहा, थोड़ी देर पहले तो यहीं थे, अचानक उन्हें कोई काम आ गया जो बहुत ज़रूरी था और वो मुझसे इजाज़त लेकर के चले गए। मैंने सोचा कम से कम अपनी बच्ची का चेहरा तो देख कर जाते, पर यह भी सोच मेरी गलती थी। असल में इमाम साहब को बेटी चाहिए ही नहीं थी, और ये बात मुझे कई दिनों बाद जाके पता चली जब मैं 2 महीने बाद अपनी माँ के घर से इमाम साहब के घर पहुँची। तब मैंने उनसे कहा, क्या तुम्हें अपनी बेटी का चेहरा देखना भी गवारा नहीं था जो तुम मुझसे मिलने भी नहीं आए? इस पर इमाम साहब ने कहा, मेरा दिमाग ख़राब ना करो, चुपचाप अपने काम से काम रखो और इस मनहूस को मेरी नज़रों से दूर रखो। ये अल्फाज मेरी बर्दाश्त के बाहर हो गया। मैंने जैसे तैसे अपने दिन तो गुजार लिए, पर अब बात मेरी औलाद की थी, मुझसे रहा नहीं गया। और मैंने इमाम साहब से पूछ लिया, क्या ये बच्ची तुम्हारी नहीं है जो तुम इस तरह की बात कर रहे हो? इस पर इमाम साहब ने बोला, तुम्हें पता है मैंने तुमसे सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि मुझे यही उम्मीद थी कि तुम बेटा पैदा करोगी। मेरी पहली बीवी से मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे कोई शौक नहीं और बेटियां पैदा करने का। मेरी इतनी आमदनी नहीं है कि मैं 3-3 बेटियों को पाल सकूं और उनको दहेज दे सकूं, समझी? मैंने सोचा था कि अगर तुम्हारा बेटा हो जाएगा तो मैं ये बात अपनी पहली बीवी को बता दूंगा कि मैंने दूसरी शादी की है और उससे हमें एक बेटा हुआ है, शायद वो ये बात सुनकर तुम्हें कबूल कर लेगी। पर अब तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारी वजह से मैं और फंस गया हूँ। अब मैं अपने घर और रिश्तेदारों से क्या कहूँ? क्या झूठ बोलना पड़ेगा कि मैंने तुझसे शादी इसलिए की क्योंकि तेरी जवानी अपने काबू में नहीं थी और तू अपने बाप की इज्जत सरेआम उछालने को तैयार थी? इतना सुनना था कि मुझसे रहा ना गया, और मैंने इमाम साहब से बड़ी हैरत से पूछा, क्या तुमने अपने घर वालों और अपनी पहली बीवी से मेरा जिक्र तक नहीं किया? बेशर्म इंसान, शर्माती भी है तुम्हें इस बात बोलते हुए भी। इस बात पर इमाम साहब ने मेरे ऊपर हाथ उठाया, पर इस बार मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें पीछे धकेल दिया, जिस पर वे दीवार से जा लगे। इमाम साहब को लगा कि उनकी बेइज्जती हो गई है तो उन्होंने मुझे मारने के लिए छड़ी उठाई और लगे मुझे मारने। मेरी गोद में मेरी बेटी भी थी, मुझे सिर्फ यही खतरा था कहीं मेरी बेटी को चोट ना लग जाए। मैंने इमाम साहब को फिर से पकड़ा और पूछा, मुझे क्यों जानवरों की तरह पीट रहे हो? आखिर मेरी गलती क्या है? क्या सिर्फ इतनी कि मैं एक औरत हूँ या तुम्हारी दूसरी बीवी?
जिस पर इमाम साहब ने अपने दिल की सारी भड़ास निकालते हुए कहा, तो सुनना ही चाहती है तो सुन। तेरा बाप, जिसे ये भी नहीं पता कि दीन और इस्लाम क्या होता है, अपनी झूठी जिंदगी जी रहा था। अगर मैं नहीं होता तो कभी भी दीन पर मुकम्मल नहीं हो पाता। जो कुछ भी है सिर्फ मेरी वजह से। आया था तेरा बाप जमात में, मैंने उसे इंसान बनाया, मैंने उसे मजहब के बारे में बताया और अल्लाह के कानून से उसे रूबरू कराया, समझी? बड़ा इतरा के बताता था कि मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी। मैंने उसे समझाया कि कमबख्त, क्या तुझे नहीं पता कि अगर तेरी बेटी डॉक्टर बन गई तो मर्दों को छुएगी, और औरतों का इस्लाम में गैर महरम को छूना तो दूर, उनसे बात करना भी अजाब है, जिसका गुनाह तुझ पर और तेरे बेटों पर भी होगा, इतना भी नहीं जानता? तू खुद तो जहन्नुम में जाती, साथ में अपने बाप और भाइयों को भी ले जाती। मैंने ही तेरे बाप को बताया कि इस्लाम में अल्लाह ने साफ कहा है कि जैसे ही लड़की बालिग हो उसका फौरन निकाह कर दो। असल जिंदगी ये दुनिया नहीं, मौत के बाद की दुनिया है। तेरे बाप को समझाने के चक्कर में 4 महीने लग गए, उसको गधे से इंसान बनाने में, समझी? बेगैरत औरत। बस इतना ही सुनना था कि मुझे सब समझ में आ गया कि मेरे घर को किसकी नज़र लगी थी। उसके बाद इमाम साहब घर से निकल कर चले गए और मैं उसी दिन इस्लाम को समझ गई कि इस्लाम सिर्फ मर्दों की ख्वाहिश है और उनकी मर्दानगी और हवस पूरी करने के लिए बनाया हुआ एक कल्ट है। जिस इंसान की ये सोच हो वो कभी अच्छा बाप नहीं बन सकता। और मैंने अपनी गोद में लेटी हुई अपनी बेटी की तरफ देखा। कुछ घंटे तो मैंने इसके बारे में सोचा, फिर मैंने फैसला ले लिया कि बस बहुत हुआ।